दोस्तों, ये वीडियो आपको सच में हैरान करके रख देगी, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ दुनिया के सबसे तेज काम करने वाले लोगों को। जी हाँ, आपने सही सुना, इन लोगों का काम करने का स्पीड इतना तेज है कि ये बड़ी बड़ी मशीनों को भी टक्कर दे सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नंबर वन, इन जनाब का नाम है रहमान और ये अपने काम को इतने स्पीड से करते हैं कि मानो ये काम बचपन से ही करते आ रहे हैं। आप ये वीडियो में देख ही सकते हैं कि कैसे रहमान मुर्गों को कई टुकड़े में काट रहा है। ये अपने काम में इतना एक्सपर्ट हो गया है कि ये कुछ ही मिनटों में बहुत सारे मुर्गों को काट देता है। नंबर टू, ये वीडियो क्लिप है अमेरिका का, जो कि सुअर के मांस को बेचती है। इस कंपनी में बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, मगर ये जो आप व्यक्ति को देख रहे हैं, ये अपने काम को बहुत ही ज्यादा स्पीड में करता है। इसका काम करने का स्पीड इतना तेज है कि ये एक मिनट में ही 30 से 40 सुअर को कई हिस्से में काट देता है। नंबर थ्री, ये वीडियो क्लिप भारत का है। इस वीडियो में आप जो चचा को देख रहे हैं, इनका नाम है निहाल और ये जनाब जब 13 वर्ष के थे तभी से मुर्गा को काटते आ रहे हैं और अब ये बूढ़े हो चुके हैं और इनकी हाथ की स्पीड इतनी तेज है कि ये एक मिनट में ही 10 से 15 मुर्गों को काट कर कई टुकड़े में कर देते हैं। इन भारतीय चचा के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। नंबर फोर, ये वीडियो क्लिप भी भारत का ही है, जो कि ये बनाते हैं बहुत ही शानदार बर्गर। ये भाई साहब इतने स्पीड में काम करते हैं कि लोग इनके काम को देखकर हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती है, क्योंकि लोगों का मानना है कि ये बर्गर बहुत ही बेहतर बनाते हैं। बर्गर बनाना वो भी इतने स्पीड से हर किसी के बस की बात नहीं है। नंबर फाइव, ये वीडियो है मध्य प्रदेश का, जहाँ पर ये चाचा बहुत ही गर्मा गर्म पकौड़ा बनाते हैं बहुत ही तेजी गति से। देखिए कितने स्पीड से बना रहे हैं ये पकौड़े। ये अपने काम में इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि ये उबलते हुए तेल में हाथ भी डाल देते हैं, मगर इनका हाथ भी नहीं जलता है। इनके जैसा पकौड़ा बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। बहुत सारे लोग देखकर ही चौंक जाते हैं कि आखिर में ये इतने तेजी गति से कैसे पकौड़े बना रहे हैं। नंबर सिक्स, अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, हमें भी नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो चाइना का है और इनकी रफ्तार को देखो जरा कि इनके काम करने का स्पीड कितनी तेज है। अगर आपको पता है कि इस वीडियो में ये लोग क्या कर रहे हैं, चाइनीज लोग आखिर में ये कौन से काम को कर रहे हैं, अगर आपको पता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। नंबर सेवन, आपने कोल्ड ड्रिंक तो पिया ही होगा और आपको ये भी पता होगा कि कोल्ड ड्रिंक का एक ढक्कन खोलने में कितना समय लगता है, मगर ये जनाब तो सच में अनोखा है। ये कुछ ही सेकंडों में बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन को खोल देते हैं, जो कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। नंबर एट, अब मैं आपको मिलवाता हूँ एक बहुत ही अनोखे हिंदुस्तानी भाई से। इनके काम को देखकर अच्छे अच्छे लोग घुटना टेक देते हैं, क्योंकि इनके रोटी पकाने का स्टाइल ही अलग है। देखिए कैसे ये रोटी को कितने तेजी गति से पका रहे हैं और ये व्यक्ति रोटी को बेलकर फेंक रहा है और सामने वाला बहुत ही आसानी से रोटी को पकड़ ले रहा है, जैसे मानो कि यहाँ पर कोई मैच चल रहा हो। और उसके बाद दूसरा आदमी आटे के रोटी को आग पर रख दे रहा है और रोटी भी बहुत ही आसानी से बन जा रहा है। नंबर नाइन, ऐसा वीडियो आपने शायद ही कहीं और देखी होगी। इस वीडियो में आप देख ही सकते हैं कि कैसे एक व्यक्ति गिट्टी को इतने तेज स्पीड से मशीन में फेंक रहा है। सच में इनके सामने तो मशीन भी फेल हो जाएगा। नंबर टेन, इस वीडियो में आप देख ही सकते हैं कि एक व्यक्ति प्लेट को कितने स्पीड से धो रहा है, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि ये दिन रात यही काम करते रहते हैं। बहुत ही अनोखा स्टाइल है इनके काम करने का, लग रहा है जैसे कि ये सिर्फ प्लेट को उठाकर फेंक रहे हो। दोस्तों, ये लोग बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए ये लोग आज ऐसे मुकाम को हासिल किए हुए हैं। इनके जैसा और कोई नहीं कर सकता है और ऐसा करना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। ये लोग अपने पेट को पालने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। और आप कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अब देखिए कुछ और वीडियो जिनके काम करने का तरीका अनोखा है। और दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।